अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस दिस्क, करेंगे डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तो शुरू करते हैं देखो बच्चों जैसे ए सी एल है ये दो डिफरेंट आटे है ठीक है अब आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है क्लोरीन की 3.2 है डिफरेंट रेफरेंस बुक्स में डिफरेंट कोटेड है देखो, अब देखो किसकी इलेक्ट्रॉन ग्रैब करने की एबिलिटी ज़्यादा है क्लोरीन की तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रैब कर लेगा अब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स किसके क्लोज हो गए क्लोरीन के तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव अब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर हो गए नेगेटिव दूर हो गए तो हाइड्रोजन पर चार्ज कौन सा आएगा पार्शियली पॉजिटिव अच्छा बच्चों अब सबको पता है टीच मीनिंग पढ़ाना टीचर पढ़ाने वाला राइट लिखना राइटर लिखने वाला अब बच्चों पोल्स का मतलब होता है साइडें और पोलर साइडों वाला तो पोलर का मीनिंग क्या हुआ पोलर का मीनिंग हुआ हैविंग पोल्स अब कौन से पोल्स हैं देखो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स अब नॉन पोलर का मतलब है आपको पता है पोलर हैविंग नो साइड्स हैविंग नो साइट या नो पोल्स अब प्यारे बच्चों देखो अब दोनों क्लोरीन एटम है सीएल टू में किसकी इलेक्ट्रॉन को ग्रैप कनेक्केबिलिटी कि ज्यादा किसी के भी नहीं तो कोई किसी के ऊपर पार्शल नेगेटिव या पार्शल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा कोई पोल्स ट्वेल्व नहीं होंगे इसलिए ये क्या है नॉन पोलर अब कार्बन डाइऑक्साइड के, के केस में सीन क्या है प्यारे बच्चों कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक्टी है टू पॉइंट फाइव फाइव और ऑक्सीजन की है थ्री पॉइंट फोर फोर अच्छा डिफरेंट रेफरेंस बुक्स में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्टी किसकी ज़्यादा है ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रैप करेगा लेकिन इसको कैंसिल कर देगा दूसरी तरफ मौजूद ऑक्सीजन तो हम इसमें कह सकते हैं गौर से सुनिएगा कि बॉन्ड्स तो पोलर हैं लेकिन वो पोलैरिटी क्या हो जाती है कैंसल हो जाती है देखो प्यारे बच्चों जैसे आप वेक्टर स्केलर में करते हो देखो जितना यहाँ पर ग्रैब किया इलेक्ट्रॉन उतना ही दूसरी तरफ ग्रैब किया अगर आप दोनों को ऐड करो दोनों वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करो तो क्या हो जाएगी ये कैंसल हो जाएगी तो इसकी डायपल मोमेंट ज़ीरो होती है इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिवेल्प नहीं होगा इसलिए ये भी क्या है नॉन पोलर है अब यार बच्चों नेक्स्ट मोलिकुलर नेचर अब देखो तो डिफरेंट आइटम थे तो इनको कहते हैं ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं या हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स ठीक है जबकि दूसरी तरफ नॉन पोलर में ये जो है क्लोरिन मॉलिक्यूल जो है ये होमोटोमिक मॉलिक्यूल है जिसको हम होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं वो कार्बन डाइक्साइड है तो नॉन पोलर लेकिन क्या है हाइड्रोटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कार्बन ऑक्सीजन डिफरेंट आइटम है हाइड्रॉनिक्वल मॉलिक्यूल अच्छा अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पोलर में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोज टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या होती है अनइक्वल होती है जबकि यहाँ पे क्या है दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए यहाँ पे शेयरिंग क्या है इक्वल है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्टेड होता है यानी ज्यादा होता है टू इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम और कम होता है टू वर्ड्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव आइटम यहाँ पे दोनों आइटम क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है तो डिस्टॉर्टेड नहीं होता सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अब अट्रैक्टिव फोर्सेस प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गौर से सुनिएगा अब अट्रैक्टिव फोर्सेस में क्या होता है कि पोलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती डाईपोल डाइपोल फोर्सेज होती हैं वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हर मॉलिक्यूल में होती हैं चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो ठीक तो है तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं जबकि जो नॉन पोलर हैं उनमें वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं जिनको हम वंडरबल फोर्सेज भी कहते हैं प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ पर चार्ज सपरेशन होती है चार्ज मौजूद होता है ठीक है इसलिए हम कहते हैं कि पोलर में चार्ज सपरेशन प्रेजेंट है और यहाँ पर चार्ज है ही नहीं तो चार्ज सप्रेशन क्या होती है एबसेंट अच्छा होती है अच्छा बच्चों अब ना पोलर में क्योंकि डायपोर मोमेंट होती है इलेक्ट्रॉन ग्रैप कर रहा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव तो वहाँ पर डायपोर मोमेंट प्रेजेंट होती है यानी नॉट ज़ीरो होती है ठीक है मोर देन जीरो होती जबकि बच्चों आपको पता है कि नॉन पोलर में कोई पोलैरिटी है ही नहीं पोलैरिटी एबसेंट है यहां पे पोलैरिटी प्रेजेंट है यहां पे पोलैरिटी एबसेंट है तो यहां पे डायपोल मोमेंट एबसेंट होगी जीरो होगी क्लोज टू जीरो होगी यानी निग्लिजिबल होगी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट है पोलर नॉन पोलर में सबसे पहले इलेक्ट्रोनेक्टविक डिफरेंस प्यारे बच्चों पोलर में इलेक्ट्रोनेक्टविक डिफरेंस मोर देन ज़ीरो पॉइंट फोर होना चाहिए ठीक है तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेक्टविक डिफरेंस लेस देन जीरो पॉइंट फोर होता है अच्छा साइज ऑफ आइटम डिफरेंट होते हैं जैसे हमने एग्जाम्पल तो में लिया था एच और सी एल तो ओब्वियसली इनमें साइज ऑफ आइटम डिफरेंट होगा अच्छा प्यारे बच्चों नॉन पोलर में क्या होता है अगर हमने लिया है एक होमोटॉमिक मॉलिक्यूल तो उनमें तो क्या होगा साइज सेम होगा आपको पता है नॉन पोलर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो हैड्रोटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें साइज डिफरेंट होता है जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लें तो ऑब्वियसली कार्बन और ऑक्सीजन का साइज क्या होगा डिफरेंट होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट प्यारे बच्चों फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है ओब्वियसली हमने मेल्टिंग में क्या करना है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है और बॉइलिंग में हमें लिक्विड को पेपर्स में कन्वर्ट करना है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हैं तो हमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए ज़्यादा आयर उसमें ठीक है अब नॉन पोलर में क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं जो कि वीक फोर्सेस हैं तो ये इजीली क्या हो जाएगा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा यानी मेल्ट हो जाएंगे इजीली और इजीली लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट लो होता है अच्छा इसी तरह प्यारे बच्चों थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ भी इसी पर डिपेंड करती है क्योंकि फोर्सेस फोर्सेज ऑफ़ अटेक्शन स्ट्रांग है जिनकी हर जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो हाई होगी यानी जैसे हीट ऑफ वेपराइजेशन है हीट ऑफ फ्यूजन है हीट ऑफ सब्लिमेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी हाई होगी और नॉन पोलर में आपको पता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है इसलिए उनमें सारी ये सर्मोडा प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ क्या होंगी लो होंगी अब सरफेस टेंशन अब प्यारे बच्चों सरफेस टेंशन जो है वो हाई होगी क्योंकि उस उसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही हैं कोई सरफस से मॉलिक्यूल लीव नहीं कर सके क्योंकि उसको ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो इसमें सरफेस टेंशन जो है वो हाई होगी और यहाँ पे क्या होगी लो अब वेपर प्रेशर प्यारे बच्चों देखो जैसे एस की एग्जांपल की एग्जाम्पल लेते हैं अब एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोर्शन दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोर्शन को क्या कर होता है अट्रैक्ट रहा होता है तो क्या एक मॉलिक्यूल इजिली जो बल्क ऑफ मॉलिक्यूल है उसको लीव करके वेपर में कन्वर्ट हो सकता है मुश्किल है कम कन्वर्ट होंगे वेपर्स इसलिए वेपर प्रेशर क्या होता है लो होता है जबकि यहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं क्लोरीन मॉलिक्यूल है इनके दिन में आपस में मैक्सिमम अगर होगी तो वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी जो इजीली ओवरकम हो जाती है तो वहां यहां पर वेपर्स बनना इजी है तो वेपर प्रेशर क्या होगा हाई होगा नेक्स्ट देखते हैं बच्चों नेक्स्ट है बच्चों सोलबिलिटी नेक्स ये तो सिंपल है सबको पता है कि लाइक टू लाइक तो पोलर मॉलिक्यूल्स बच्चों सोलबल होंगे पोलर पोलोसल में लाइक वाटर और नॉन पोलर मोलिक्यूल सोलबल होंगे नॉन पोलर पोलोसॉलम में लाइक बेंजीन लाइक ईथर लाइक कार्बन टाट्रा क्लोराइड अब स्टेबिलिटी पे तो जरूर स्टेबिलिटी में ना गौर करना कि जो पोलर होते हैं ना वो लेस स्टेबल होते हैं लेस स्टेबल है इसका मतलब है वो मोर रिएक्टिव होंगे क्यों है ये मोर मोरिएक्टिव क्यों है ये लेस स्टेबल प्यारे बच्चों क्योंकि देखो पोलर मॉलिक्यूल में पार्शल पॉजिटिव चार्ज अब पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा कोई न्यूक्लोफाइल और एक नेगेटिव पोर्शन है पार्शल नेगेटिव साइड है पार्शल नेगेटिव साइड पे कौन अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल ठीक है तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सेंटर्स हैं इसलिए इसका रिएक्शन ज़्यादा होगा देखो जैसे हाइड्रोजन खुद पॉजिटिव है तो ये किस पे अटैक करेगा पॉजिटिव है तो ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव कर सकता है और क्लोरिन नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो ये किस पर अटैक करेगी पॉजिटिव पर ठीक है तो ये खुद क्या है न्यूक्लोफिलिक है तो क्योंकि इस पर रिएक्टिविटी सेंटर है इसलिए ये क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जबकि दूसरी तरफ नॉन पोलर कोई इनमें दे डोंट हैव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लोफिलिक सेंटर कोई पार्शल पॉजिटिव या पार्शल नेगेटिव चार्ज नहीं है इसलिए इन पर कोई पॉजिटिव रिएक्शन करना चाहेगा पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए नेगेटिव तो इनके पास है नहीं अच्छा कोई नेगेटिव इस पर अटैक करना चाहेगा नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए इसके ऊपर तो पार्शल पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इनके पास कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या न्यूक्लोफ्लिक सेंटर नहीं है इसलिए क्या होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं और स्टेबल होते हैं और एंड पे प्यारे बच्चों बॉन्ड एनर्जी इनमें क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉग होती हैं उस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है इसलिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड एनर्जी हाई है और यहाँ पर क्योंकि सिर्फ वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं उसको ब्रेक करना इजी होता है इसलिए प्यारे बच्चों इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है लो होती है।